अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एलिमेंटर के न्यू फीचर एलिमेंटर एआई के अबाउट, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हुए आप कस्टम सीएसएस या किसी भी तरह का कोड करवा सकते हैं एलिमेंटर के अंदर ही, कहीं थर्ड पार्टी प्लगइन या थर्ड पार्टी वेबसाइट को यूज़ किए बिना, और इसके साथ साथ ही किस तरह से आप लोग इस एआई को यूज़ करते हुए इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको डेफिनेटली इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, और एलिमेंटर के एआई इमेज भी आपको विद इन एलिमेंटर के अंदर ही क्रिएट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करेंगे और एलिमेंटर का एआई किस तरह से काम करता है, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आप एलिमेंटर को लोड करते हैं, कुछ इस तरह से का इंटरफेस आप लोगों के सामने नज़र आता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज तीन चीज़ें हम यहाँ पे मेजरली डिस्कस करेंगे। एक तो टेक्स्ट किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, इमेजेस किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ कस्टम सीएसएस ऐड करवानी है, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देनी है, किस तरह से वो प्रॉम्प्ट देनी है और किस तरह से कोड आएगा और उसको किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से जनरेट करवाएंगे किसी भी तरह का। तो टेक्स्ट के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से मुझे टेक्स्ट जनरेट करवाना है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको राइट विद एआई। जब आप इस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि अपने जो एलिमेंटर है उसको अपने एलिमेंटर अकाउंट के साथ अटैच करें, कनेक्ट करें। तो आपको क्या करना है, सिंपल वहीं पे क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर, वो आपको रिडायरेक्ट करवा देगा एलिमेंटर की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे आप सिंपल अपनी जो जीमेल है उससे आपने उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन क्या करना है, सिंपल प्रोसीड विद जीमेल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो किसी किस्म का कोई कार्ड यूज़ नहीं करना, किसी किस्म की कोई पेमेंट्स नहीं यूज़ नहीं करनी, ये टोटली फ्री है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं राइट विद एआई, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है इस वजह से डायरेक्टली मेरे पास ये प्रॉम्प्ट खुल गई। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुझे ये चाहिए, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है और यहाँ पे इसने मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है वो सजेस्ट कर दिए। क्राफ्ट अ कैची स्लोगन फॉर, अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे मैं जनरेट टेक्स्ट कर देता हूँ। जनरेट टेक्स्ट जैसे ही मैं करूँगा ये मुझे क्या कर देगा, एक अच्छी सी हैडिंग और खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी सारा टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया, तो मैं क्या करता हूँ कि मेक इट शॉर्टर। तो अब ये क्या करेगा कि जो टेक्स्ट है उसको मज़ीद शॉर्ट कर देगा। मैं मज़ीद इसको शॉर्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया अगेन, ये इसको फिर शॉर्ट कर देगा मज़ीद शॉर्टर। तो जितना भी आप शॉर्ट करना चाहें यहाँ पे क्लिक करते जाएं और देखें मेरा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई इंग्लिश पे क्लिक करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको यूज़ करते हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेंथ ही इसको बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ है तो आप इस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली उनको फिक्स कर देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप किस टोन के अंदर ये टेक्स्ट लिखवाना चाह रहे हैं, वो सारे टोन्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मोटिवेशनल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये उसी टोन के अंदर क्या करेगा, हमें एक कैची लाइन लिख देगा। अब यहाँ पे इसने फिर अगेन वही लिख दिया है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको मेक इट शॉर्ट कर देता हूँ अगेन। जितने भी मेरे डिज़ायर्ड टेक्स्ट है उतना जब तक मुझे नहीं मिल जाता मैं इसको शॉर्ट करता रहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, एक शॉर्ट सी लाइन आ गई, ठीक है। उसी तरह से जो भी इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो लेट्स सपोज मैं इसको अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो लैंग्वेजेस मौजूद हैं, मैं अरेबिक के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। मैंने अरेबिक पर क्लिक किया तो इसने जो मुझे हेडलाइन लिख के दी थी वो इसने ट्रांसलेट कर दी है अरेबिक के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी डिज़ायर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी सेक्शन है उसके ऊपर एक टेक्स्ट है उसको आप ट्रांसलेट करना है, तो यहीं से आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। वहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करना है, यहीं से आप टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ये है टेक्स्ट वाली प्रॉम्प्ट्स और कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आता है। अब आपको नई टेक्स्ट लिखवाना है तो सिंपल आप न्यू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको चेंज करके कुछ और लिखेंगे तो उस अकॉर्डिंगली ये आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। तो
तो इसी तरह जितने भी टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये आपको नजर आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये ऐड किया हुआ था और यहाँ पे देखें ये वाली है, तो ये देखें ये राइट विद एआई, स्टिल वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस तरह का टेक्स्ट ये आपको जनरेट करके दे देगा। तो पहली चीज़ इस तरह से हम टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस एआई को यूज़ करते हुए आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज वाला जो ये सेक्शन है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट विद एआई। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, कुछ इस तरह से मेरे पास पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने और उस तरह की पिक्चर जो है ये मुझे जनरेट करके दे देगा। लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक था, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस तरह से जिस तरह से भी आप इसको मजीद प्रॉम्प्ट को इन्हेंस भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो बेस प्रॉम्प्ट होगी उसको लेके एक अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखें एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट जो है वो बना के दे देगा कि मुझे किस तरह की इमेज चाहिए। इसको आप मजीद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे देखें इमेज टाइप किस तरह की आपको चाहिए, बैकग्राउंड, हैंडमेड, डिजिटल आर्ट, 3D, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटोग्राफी की कर दूंगा और यहाँ पे स्टाइल लैंडस्केप मुझे चाहिए 1x1 की बजाय मैं 16x9 कर देता हूँ और जनरेट इमेजेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मुझे उसी तरह से जैसा मेरा प्रॉम्प्ट था उसी तरह से ही क्या आएंगे, काफ़ी सारी इमेजेस ये एआई जनरेट करके दे देगा। ये टोटली कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने अच्छी इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। बट स्टिल अगर इसको मैंने मजीद इन्हेंस करना है, मजीद एडिट करना है, इसके अंदर कोई चीज़ एलिमेंट नहीं है, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ और टूल्स ओपन हो जाएंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग है। इस इमेज को मुझे एक्सपेंड करना है, मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, राइट। इस इमेज जनरेटिव फिल, ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन नज़र आ गया। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए, रिमूव दिस। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो सेम चीज़ें होंगी, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी उस इमेज में ये उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसी तरह से मुझे कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं उसको जनरेटिव फिल करूँगा। यहाँ पे देखें वो चीज़ रिमूव हो चुकी है डिफरेंट उसके अंदर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ एक जनरेटिव फिल अगेन क्लिक करके यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज मंकी या एड मंकी। मैं नॉर्मली ही यहाँ पे के एड मनी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, तो ये इसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारी इमेज को जो है वो अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, डिज़ाइन कर देगा और उसको फिर हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे इसने ऐड नहीं की, आई डोंट नो वाई, लेकिन चले मैं इसको ज़रा इन्हेंस प्रॉम्प्ट करके देखता हूँ कि फिर ये क्या ऐड करेगा। आई एम सॉरी आई कैन नॉट जनरेट इन अप्रोप्रिएट, अच्छा ये इलीगल के मायनों के अंदर जिसको ले रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अगेन, इसको मैं एडिट करता हूँ और अब की बार में कुछ ऐसा लिखता हूँ कि जो कुछ और थोड़ा सा लीगैलिटी में या इस तरह से इसको ना लगे कि ये इलीगल है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसकी जगह पे ऐड फ्लावर्स, मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको जनरेट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जिस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसी तरह से यहाँ पे फ्लावर्स को ऐड कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे देखें इसने काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लावर्स ऐड कर दिए इस इमेज के अंदर और इसी तरह बाकी इमेजेस के अंदर। तो इस तरह से आप इनके साथ मजीद प्ले कर सकते हैं और जिस तरह से भी चाहें इसको ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, रिसाइज कर सकते हैं, वेरिएशंस देख सकते हैं कि इसी इमेज के और डिफरेंट कितने वेरिएशंस इसने जनरेट किए, उनको फिर मजीद इन्हेंस कर सकते हैं। अलॉट यू कैन डू विद दिस फीचर। तो इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको
डिलीट कर देता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन की मैं जो है हाइट वो मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, और मैं इनको क्या कर देता हूँ, सेंटर के अंदर प्लेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब मैं इसकी बैकग्राउंड के ऊपर इमेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आऊँगा, सॉरी बैकग्राउंड के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास क्लासिक है, और अगेन सेम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे इन इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने डिज़ायर इमेज यहाँ से जनरेट करवा सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए किसी भी तरह की इमेज एलिमेंटर के अंदर ही जनरेट करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब लास्टली चीज़ हम देखते हैं कि किस तरह से हम कोड करवा सकते हैं। तो कोडिंग के एलिमेंट्स आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमेजेस हो या फिर कोड वाला एलिमेंट हो या कुछ भी हो। तो अभी यहाँ पे मैं लेट्स से HTML ऐड करता हूँ, ओके, और यहाँ पे देखें एडिट विद AI। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राइट अ कोड, राइट अ HTML फॉर अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं इसको जनरेट करूंगा, और यहाँ पे देखिए मुझे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के रेलिवेंट HTML पूरा जनरेट करके दे देगा, ये जिस तरह का भी टेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अच्छे तरीके से वो चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे CSS नहीं है, तो मैं इसको एडिट करके इसको कह सकता हूँ कि अलॉन्ग विद CSS, तो एक अच्छा सा डिज़ाइंड जो फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि कोड ऑफ फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, गिव मी द HTML एंड CSS फॉर अ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैंने इसको जनरेट किया, अब देखिएगा कि ये मुझे HTML के साथ साथ CSS भी देगा, और मेरा जो फॉर्म होगा वो अच्छे तरीके से डिज़ाइंड होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से मैंने वो दे दिया। अब यहाँ पे देखें HTML और CSS दोनों ऐड कर दिए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, और सॉरी मैं CSS ऐड करना भूल गया, क्योंकि वो उसने अलग अलग दे दिए। तो इस तरह से आप इन शॉर्ट कोडिंग करवा सकते हैं, या कोई भी चीज़ अल्टर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे कस्टम CSS चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे एडवांस के अंदर आके यहाँ पे मुझे कस्टम CSS ऐड करना है इसके रेलिवेंट। अब यहाँ पे ये जो कस्टम CSS का ऑप्शन है वो आपको प्रो मोड के अंदर मिलेगा, एलिमेंटर प्रो अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आगे फॉलो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर एलिमेंटर प्रो दे दूंगा। और उस पे यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ एडिट विद AI, और यहाँ पे मैं इसको कमांड देता हूँ कि मुझे राइट अ CSS दैट कैन मेक दिस टेक्स्ट इनटू मॉडर्न 3D लुक। ओके, कुछ इस तरह से मैंने क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखें ये मुझे CSS दे देगा और इसको 3D वे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने एक पुअर सी प्रॉम्प्ट लिखी है, ये देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ 3D उसने टेक्स्ट कुछ इस तरह से दे दिया। अब जिस तरह की भी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, उस हिसाब से ये इसको चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से एलिमेंटर के AI को यूज़ करना है, किस तरह से हमने टेक्स्ट जनरेट करवाना है, किस तरह से इमेजेस जनरेट करवाने हैं, उन इमेजेस को मजीद किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से आप लोग कस्टम CSS से ऐड कर सकते हैं, कस्टम कोड लिखवा सकते हैं विद इन योर एलिमेंटर के एडिटर के अंदर ही, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप मजीद वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग से A to Z, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कुछ भी नहीं करना, आपको सीखना है, और आप विद इन वीक एलिमेंटर के अंदर प्रो बन जाएंगे, राइट। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो मैं आप लोगों का ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक अप्रिशिएटिंग कमेंट इस वीडियो के नीचे लिख दें, ताकि वो कमेंट मुझे मोटिवेट करता रहे और इसी तरह के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए जनरेट करता रहूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।